हम राइटिंग करने के लिए नॉर्वे शीट्स ले रहे हैं और इसकी चारों साइड भी हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो, लाइन मार्क करेंगे और फिर इसके बीच में वो पार्ट क्रिएट करेंगे जिस पे हमने बुक लिखना है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो। अब हम जो बीच में हमारा पार्ट है उसके 4 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो बुक के 4 लेटर्स हैं। अब इसे हम बी की शेप दे रहे हैं और नेक्स्ट लेटर्स डबल ओ और लेटर्स की हमें पहचान है, ये ऑर्नामेंटल राइटिंग है। और जितनी भी हम इसमें ब्रेथ ले रहे हैं वो स्केल के ब्रेथ के अनुसार ले रहे हैं। और टॉप से हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं और ऐसे ही डाउन साइड से भी हम 1 सेंटीमीटर ही मार्क करेंगे। और ऐसे हम लेटर बुक लिख लेंगे। अब हम इसमें एक ड्राइंग रेडी करेंगे। ड्राइंग के लिए आप अपनी चॉइस के अनुसार अपनी बुक से या कई मैगजीन से देखकर कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद हम ब्लैक स्केच पेन से इसकी आउटलाइनिंग कर देंगे। इसमें ज़्यादातर लाइंस स्ट्रेट हैं तो इसलिए हम स्केल के साथ इसकी आउटलाइनिंग करेंगे, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो। और ये राइटिंग आप किसी भी शेप में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही शेप लिखनी है। आप ऑर्नामेंटल शेप में कोई भी स्टाइल्स में ये बुक लिख सकते हो। अब हम इसे अच्छे से रेज कर देंगे, जो जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं। और ये सारी मेजरमेंट्स हैं जो हमने इसमें यूज़ की हैं। अब हम बुक को 3D करने के लिए इसके राइट साइड पे हम इसको थोड़ा सा ब्लैक से शेडो दिखा रहे हैं। इससे हमारे जो लेटर्स हैं वो 3D शेप में हो जाएंगे। अब हम इसमें कलर्स करेंगे। कलर्स के लिए आप ऑयल पेस्टर या पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो। ऑयल पेस्टर्स के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दे दिए गए थे। और जैसे आपको पता है, कलर्स करते समय आपने सबसे पहले लाइट कलर करने हैं और फिर धीरे धीरे डार्क कलर करेंगे, जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो जो आपके साइट पे डिस्प्ले हो रही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेमन येलो कलर यूज़ कर रहे हैं और कलर्स को जितना भी बैक साइड से पकड़ेंगे उतना लाइट चलेगा। अगर उस कलर को हम आगे से पकड़ते हैं तो वो और डार्क हो जाएगा। तो ऐसे हम साइड से अपनी शीट्स को डार्क करेंगे
और बीच में हम अपनी शीट्स को लाइट रखेंगे। और आप जैसे इस पिक्चर्स में जो आपके साइट पे डिस्प्ले हो रही है, तो आप उसमें देखोगे कि हमने बुक जो राइटिंग लिखी है उसमें कलर्स नहीं किए, और बैकग्राउंड में और बुक जो नीचे ड्राइंग बनाई हुई है उसमें ही कलर किए हैं। और साइड पे आप डार्क कलर करोगे। आप लोगों ने ज़रूरी नहीं है कि यही कलर यूज़ करने हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार इसमें कलर यूज़ कर सकते हो। आप सबको पता है कि बुक में ये वाला पार्ट डार्क होता है, तो हम इसमें थोड़े डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप जो साइड पे पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही है जैसे उसमें है।